की पार्टी के नेता और प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि उनकी पार्टी की विचारधारा और कार्यनीति बहुजन समाज पार्टी की तरह नहीं है, बल्कि उनकी अपनी अलग कार्यप्रणाली है। कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने मंगेश यादव एनकाउंटर पर बीजेपी को कटघरे में लेते हुए कहा कि अगर मंगेश यादव अपराधी था तो क्या उसको मार देंगे? भारतीय जनता पार्टी के पास मारने का लाइसेंस है। अगर वो आरोपी था तो उसको पकड़कर अदालत में पेश करना चाहिए। ये बुलडोजर नीति और ठोको नीति नहीं चलेगी। ताजमहल के मुख्य गुंबद के सामने बने बगीचे में बरसात का पानी भर गया। ताजमहल घूमने आए किसी पर्यटक ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। पुरातत्व विभाग के अधिकारी का कहना है कि वायरल वीडियो गुरुवार का है। काफी बरसात की वजह से जल भराव हुआ, लेकिन पानी को निकाल दिया गया है। आस्था और धर्म की नगरी प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है। महाकुंभ के आयोजन से पहले अखाड़ों के नगर प्रवेश के मौके पर निकाली जाने वाली पेशवाई और प्रमुख स्नान पर्वों पर अखाड़े में होने वाले शाही स्नान का नाम बदले जाने की मांग तेज होने लगी है। साधु संत मुगलकालीन नाम पेशवाई और शाही स्नान का नाम बदलने की मांग कर रहे हैं। सुल्तानपुर लूटकांड के आरोपी मंगेश यादव के एनकाउंटर पर हो रही राजनीति के बीच अब किसान नेता राकेश टिकैत ने बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़ा करते हुए योगी सरकार को घेरा। उन्होंने सुल्तानपुर एनकाउंटर का जिक्र करते हुए कहा कि एनकाउंटर झूठा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत पर उत्तर प्रदेश के मंत्री संजय निषाद ने कहा कि न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका और मीडिया अपने हिसाब से काम कर रहे हैं और स्वतंत्र हैं। पिछली सरकारों में जो जांच एजेंसियां थीं, वो लोगों को संरक्षण देती थीं, लेकिन हमारी सरकार में वही जांच एजेंसियां लोगों को सजा दिलाने का काम कर रही हैं। न्यायपालिका के हर निर्णय का हर व्यक्ति सम्मान करता है। भोजपुरी लोक गायिका नेहा सिंह राठौर अक्सर अपने गानों के जरिए नेताओं और पार्टियों पर निशाना साधती हैं। इस बीच नेहा सिंह राठौर ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा था, अंधभक्तों डरना नहीं है, चलो फर्जी पोस्टर और झूठी खबरें बनाना शुरू करो। यूपी सरकार प्रदेश के सभी जिलों में MSME बनाने जा रही है। सरकार छोटी और बड़ी दोनों इकाइयों को बढ़ावा देगी। वहीं लंबे समय से बंद पड़ी कताई मिलों की जमीनों पर क्लस्टर विकसित कर उसे छोटी इकाइयों को देगी। सरकार जमीनों के विकास पर करीब 190 करोड़ रुपए खर्च करेगी और इस पर कम से कम 10,000 नई इकाइयों का क्लस्टर तैयार करेगी। फिल्म अभिनेत्री और मंडी से बीजेपी सांसद कंगना रनौत की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आगरा कोर्ट में अधिवक्ता ने कंगना रनौत के बयानों को आधार बनाकर कोर्ट में वाद दायर किया। कंगना रनौत के विरुद्ध राष्ट्रद्रोह और राष्ट्र अपमान को लेकर आगरा न्यायालय में वाद दायर किया गया, जिसमें 17 सितंबर को वादी अधिवक्ता के बयान दर्ज होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आगरा को हेरिटेज सिटी घोषित करने की मांग को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि याचिका में ऐसा कुछ नहीं दर्शाया गया जिससे ये पता चले कि इससे शहर को कोई विशेष लाभ मिलेगा। आगरा के 1000 साल पुराने इतिहास को लेकर विरासत शहर घोषित करने की मांग की गई थी।